हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंजुसी रेसिपीज़ में। आज मैं बनाऊंगी इमली की चटनी, जो बहुत टेस्टी बनके तैयार होगी। इसे हम घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, और साथ ही इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1.5 से 2 महीने तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसे हम समोसों के साथ, भेल के साथ, दही पड़े के साथ या फिर आलू टिक्की किसी के भी साथ खाए, ये चटनी जो है उनका टेस्ट जो होता है वो बहुत बढ़ा देती है। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम इमली ली है और इसे मैंने 2-3 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था, जिससे कि ये सॉफ्ट हो गई है। और इसको मैं इस तरीके से हाथों से मल के इसमें जो ये रेशे हैं वो बाहर निकाल लूँगी, जिससे कि इसका जो पल्प है वो आसानी से निकल जाए और छाने हम इसको तब आसानी से छानने में आ जाए। अगर आप चाहो तो इसे मिक्सर में पीस के भी इसका जो ये पल्प है वो आसानी से निकाल सकते हो। मैंने हाथों से मसल के इसका जो पल्प है वो निकाला है। इसे मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है और इस तरीके से मैं बड़ी एक छलनी लेके उसमें इसको अच्छे से छान लूँगी, जिससे कि इसके रेशे जो है वो बाहर निकल जाए, चटनी में नहीं आए। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको छान लेंगे और इसके रेशे और पल्प अलग अलग कर लेंगे। ये जो इसके रेशे निकले हैं वो किसी काम के नहीं है, तो अब हम इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, मैंने जो सारा जो पल्प है वो निकाल लिया है। इस तरीके का ये पल्प निकलेगा। अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये 1 चम्मच लगभग मैंने तेल डाला है इसमें, और इसके साथ ही मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाल दिया है जीरा, और 2 पिंच इसमें मैंने हींग डाली है। हींग से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हींग इसमें ज़रूर ऐड करनी है। और अब मैंने जो ये पल्प छान के रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसमें अच्छी सी एक उबाल आने दूंगी। इस तरीके से हम चटनी बनाएंगे, तो ये चटनी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। इसे हम इसी तरीके से हिलाएंगे और इसमें अच्छी सी उबाल आने देंगे। ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो हमें इसमें थोड़ा पानी और ऐड करना होगा। तो ये जो बर्तन मैंने लिया था, पल्प निकाला था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखो, इस तरीके की ये हो गई है। अब अभी हम इसे पकाएंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अच्छा सा इसमें एक उबाल आ गया है। और अब मैं इसके अंदर मिला दूंगी गुड़। ये मैंने 200 ग्राम इमली ली थी और इसमें मैं 200 ग्राम ये गुड़ डालूंगी। इसको मैंने इस तरीके से पहले से काट के रखा था बारीक बारीक, जिससे कि ये आसानी से गल जाए। और जब तक हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होता है, हम इसी तरीके से इसको हिलाएंगे, इसमें अच्छी सी एक उबाल आ जाए। उसके बाद हम बाकी की सारी जो चीज़ें हैं, जो मसाले हैं, वो भी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये चटनी में अच्छा सा उबाल आ गया है। और इसमें मैंने 100 ग्राम लगभग इसमें शक्कर डाल दिए। शक्कर डालने से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसा आएगा, इसीलिए हम इस चटनी में गुड़ और शक्कर दोनों का ही यूज़ लेंगे। ये देखिए, शक्कर भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच भुने जीरे का पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच सेंधा नमक। अगर आप चाहो तो इसमें नॉर्मल नमक भी यूज़ में ले सकते हो। और अब मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। और ये मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला है काला नमक। और 1/2 चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ का पाउडर। ये सौंफ मैंने दरदरी कूट के डाली है। और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये देखिए। और अब मैं इसमें लास्ट में डालूँगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सारे मसाले डालने के बाद हम इसे 7-8 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि जो मसालों का जो फ्लेवर है वो सारा इसके अंदर अच्छे से आ जाए। ये देखिए, हम चम्मच से इसको हिला रहे हैं तो ये चम्मच पे चिपक रही है। बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए।
और जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी गाढ़ी और हो जाएगी, तो बस इसी टाइम पे हमें गैस की फ्लेम जो है वो बंद करनी होगी। ये जो चटनी है वो बन के तैयार है, खट्टी मीठी आप चाहो जिसके साथ इसे खा सकते हो, बेल दही बड़ा सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। आप चाहो तो इसे फ्रिज के अंदर 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। ये जो चटनी है इसका कुछ नहीं बिगड़ता। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।